हे फ्रेंड्स, मैं अरविंद आपका स्वागत करता हूं इंटेक टिप्स पर। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं किस तरीके से आप अपने मोबाइल के SMS कॉल लॉक्स को सुरक्षित रख सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर उन्हें अपने मोबाइल पर दोबारा वापस रिस्टोर कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर की सब्सक्राइब बटन है, आप उसे क्लिक कर दीजिए। हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली वीडियोज़ की अपडेट आप तक पहुँच जाएंगे। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर ओपन करना है और प्ले स्टोर ओपन करने के बाद यहाँ पर टाइप करना है SMS बैकअप। दूसरे नंबर पर ये एप्लीकेशन है जिसका नाम है SMS बैकअप एंड रिस्टोर। आप यहाँ पर देख सकते हैं 10 मिलियन डाउनलोड्स हैं और 4.5 की रेटिंग है। काफ़ी अच्छी रेटिंग है और काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन भी है, इसको यूज़ करना भी काफ़ी आसान है। तो सबसे पहले हम इसे ओपन कर लेते हैं और सारी की सारी परमिशन ग्रांटेड कर देते हैं यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर ग्रांट कर रहा हूँ, अलाउ कर देते हैं। अलाउ करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं सेटअप ए बैकअप। तो आपको सबसे पहले इस बटन पर क्लिक करना है। इस बटन पर क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है, जहां पर आपको कई ऑप्शन मिल जाएंगे। सेटअप बैकअप, यहां पर आप पॉथ सेलेक्ट कर सकते हैं, कहां पर आप अपने बैकअप को रखना चाहते हैं। आप यहां से गूगल ड्राइव में या फिर अपने फ़ोन पर भी बैकअप को रिस्टोर कर सकते हैं। यहां पर डेली, वीकली एंड आवरली हैं। तो मेरे ख्याल से अगर आप डेली रखते हैं तो ज़्यादा बेटर है। आवरली अगर करेंगे तो आपको हर घंटे में आप SMS हैं उनका बैकअप हर घंटे होता रहेगा। तो मैं यहां पर डेली सेट कर देता हूं। डेली सेट करने के बाद यहां पर आप देख सकते हैं 4 मैसेजेस मिले हैं मुझे। मैं सबसे पहले इनका बैकअप ले लेता हूं। तो बैकअप लेने के लिए हमें सीधा बैकअप बटन पर क्लिक करना है, व्यू डिटेल्स एंड उसके बाद बैकअप नाउ, या फिर आप यहीं पर बैकअप नाउ बटन पर क्लिक करके इनका बैकअप ले सकते हैं। बैकअप लेने के बाद आपकी सारे मैसेजेस, सारे कॉल लॉग्स आपके मोबाइल के SD कार्ड में सेव हो जाएंगे। अब अगर आप अपने मोबाइल के मैसेजेस को डिलीट कर देते हैं तो भी आप इन्हें बहुत ही आसानी से रिस्टोर कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम SMS ऐप को ओपन कर लेते हैं और वहां पर अवेलेबल पूरे मैसेजेस को डिलीट कर देते हैं और देखते हैं कि हमारे SMS रिस्टोर होते हैं या नहीं। तो गाइज, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इंडस मैसेजिंग एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया हुआ है अपने मोबाइल पर। आप देख सकते हैं 4 मैसेजेस यहाँ पर अवेलेबल हैं। मैं इनको डिलीट कर देता हूँ, सबसे पहले सेलेक्ट करूँगा एंड सेलेक्ट करने के बाद मैं इन्हें डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद हम एक बार रिस्टोर करेंगे और देखेंगे कि इस एप्लीकेशन का क्या फ़ायदा मिलता है हमें। तो गाइज, मैंने यहाँ पर पूरे मैसेजेस को डिलीट कर दिया है। डिलीट करने के बाद मैं वापस उसी एप्लीकेशन पर जाऊँगा, SMS एंड बैकअप एप्लीकेशन पर जाऊँगा और वहाँ से अपने SMS कॉल लॉक्स को रिस्टोर करूँगा। तो गाइज, यहाँ पर मैंने ऐप को ओपन कर लिया है। अब सबसे पहले हमें रीस्टोर बटन पर क्लिक करना है। सबसे पहले आप व्यू डिटेल्स पर क्लिक कर दीजिए, ज़्यादा बेटर होगा। तो व्यू डिटेल्स पर क्लिक करने के बाद हम देखेंगे कि हमारे SMS और कॉल लॉक्स के बैकअप कहां पर सेव हुए हैं। तो ये दो बैकअप हैं और मैं इनको रिस्टोर करने वाला हूं। सबसे पहले मैं इनको सेलेक्ट करूंगा एंड सेलेक्ट करने के बाद अगर आप किसी मैसेज को रिस्टोर करना चाहते हैं तो रिस्टोर मैसेज बटन पर क्लिक करके आप उसे रिस्टोर कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 मैसेजेस अवेलेबल हैं और मैं इनको बारी बारी से रिस्टोर करूँगा एंड रिस्टोर करने के बाद हम वापस फिर से SMS ऐप पर जाएंगे और देखेंगे कि हमारे SMS रिस्टोर हुए हैं या नहीं। तो गाइज, मैंने इन्हें रिस्टोर कर लिया है। रिस्टोर करने के बाद आपका बैकअप सुरक्षित रहेगा, उसको कुछ नहीं होगा, आपको उसे टच भी नहीं करना है। आप चाहें तो उसे डिलीट कर सकते हैं बाद में, लेकिन मेरे ख्याल से अगर आप उसे सेव रखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो गाइज, यहाँ पर मेरे तीनों मैसेज रिस्टोर हो चुके हैं और मैं वापस इंडस मैसेजिंग ऐप पर जाऊँगा और यहाँ पर देखेंगे कि हमारे एप्लीकेशन में वो मैसेज अवेलेबल हैं या नहीं। तो गाइज, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने अपने पूरे मैसेज रिस्टोर कर लिए हैं और मैं इन्हें आसानी से रीड कर सकता हूँ या फिर इन्हें डिलीट कर सकता हूँ। तो गाइज, इस तरीके से आप अपने SMS, अपने कॉल लॉक्स को रिस्टोर कर सकते हैं और उनका बैकअप भी ले सकते हैं। गाइज, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसी ही वीडियोस अपने चैनल पर अपलोड करते रहते हैं और आप लोगों को नए नए एप्लीकेशन और नई नई ट्रिक्स बताते रहते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।